अंडर ब्रिज निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए शहर विधायक ने शहर में बन रहे दोनों अंडर ब्रिजों का निरीक्षण कर पेंडिंग पड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने शहर में बन रहे दोनों अंडर ब्रिज का निरीक्षण किया। वोरा ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सभी पेंडिंग कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। वोरा ने इस संबंध में DRM से चर्चा कर अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने कहा। गौरतलब है कि विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ रायपुर नाका और धमदा नाका अंडर ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वोरा ने धमदा नाका अंडर ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों व्यवसायियों के अलावा स्कूली छात्राओं ने अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य सुस्त चाल से होने की शिकायत की। वहीं स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि निर्माण कार्य रुक रुक कर हो रहा है। काम अधूरा होने से व्यवसायियों के साथ ही मोहन नगर वार्ड के नागरिकों समेत पटरी पार के हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजीव नगर सेतु के नीचे बनी दुकानों में व्यवसायियों ने बताया कि निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के दोनों ओर की सड़कें चलने लायक नहीं है। उन्होंने CC रोड निर्माण कराने का अनुरोध भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।